चलिए जी, गुड इवनिंग। बीआरएस चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा था, ठीक है। लास्ट हमारी दो दो या तीन क्लासेस हुई है, चलानी बस अनिक जो दो या तीन क्लासेस हमारी हुई है, जो दो या तीन क्लासेस हुई है वहां पे हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। पिछली क्लासेस में आपका चैप्टर डिसाइड किया था कि चैप्टर का बेस क्या है। आज वाली क्लास डिसाइड करेगी कि आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो आने वाले 10 दिनों में हमने 60-70 क्वेश्चन करने हैं, आने वाले दिनों में जो 60-70 क्वेश्चन हमने रिवाइज करने हैं, उसका जो एक पिलर है वो आज, मतलब उसके जो मेन बेसिक्स है ना, वो आज वाली क्लास डिसाइड करेगी। तो जिसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखने हैं, करने हैं, वो आज वाली क्लास से सारा कुछ डिसाइड होगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसको समझ आएंगे किसको नहीं। मतलब पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो जो आज मैंने नोट्स तैयार किए हैं ना, ये नोट्स आज फर्स्ट टाइम तैयार किए हैं। पिछले कई सालों में वो वाले नोट्स तैयार नहीं किए थे। मतलब जैसे आज वाली क्लास से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता था, क्वेश्चन वन या इलुस्ट्रेशन वन, वहीं से ही क्वेश्चन में से ही मैं बताता चला जाता था कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कैसे है। कई तरह के नए नए पॉइंट्स या नई नई ट्रांजेक्शन आती थी, वो मैं क्वेश्चन में ही समझा देता था। नई ट्रांजेक्शन जो मैं पिछली क्लास में आपको बोल रहा था ना, वो 14-15 तरह की गलतियां या डिफरेंसेस, वो वाले डिफरेंसेस या गलतियों के आज मीनिंग्स कुल मिला के 15-17 के आसपास, ऐसे 15 के अप्रोक्स गलतियां हैं या ट्रांजेक्शन हैं जो 60-70 क्वेश्चन में आएंगी, बार बार सेम ही आएंगी रिपीट। कुल मिला के 15-20 है, बस इससे ज्यादा नहीं है। आज वही आपको नोट डाउन करवाने लगा हूँ, उसके मीनिंग लिखवाने लगा हूँ। फर्स्ट टाइम ही लिखवा रहा हूँ, बुक में थे, बुक में कल हमने देखे थे 9 पॉइंट थे, चेक इशूड वाला, चेक पेड वाला, इंटरेस्ट अलाउड वाला, वही वाले पॉइंट्स जो हैं आपको इजी लैंग्वेज में शॉर्टकट फॉर्म में मैं लिखवाने वाला हूँ। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन में भी काम आएगा। कल मैंने आपको पेपर में बोला था 4 नंबर या 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में तो आने ही यही पॉइंट है। बुक में कल हमने देखा था 9 पॉइंट्स हेडिंग में थे, उसके बाद टाइम डिफरेंस वाले, और उसके बाद 3 पॉइंट्स और थे, तो 12-13, जबकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये 15-20 तरह के होते हैं। तो मैं अभी आपको 15-16 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पहले 5-6 पूरे पूरे डिटेल में लिखवाऊंगा, उसके बाद के जो 10-11 पॉइंट्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन में मीनिंग लिखवा दूंगा। लिखो जी, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है BRS, ठीक है जी। लिखो टॉपिक, लिखो टाइप्स ऑफ एरर्स या डिफरेंसेस। कल हमने 5-6 कर लिए थे, आज सारे वो बोले लिखवा रहा हूँ, आज के दिन में जितने लिखे गए बस, कल से सीधा क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ एरर या डिफरेंसेस, किस किस पे डिफरेंसेस होंगे इनके बाद बोलना, क्या लिखवाने लगाऊंगा। इन कैश बुक एंड पासबुक, इन कैश बुक एंड पासबुक, ये हमारा टॉपिक, कितने तरह के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 है सबसे पहला, किसी को याद है कल पहला डिफरेंस क्या आया था? चेक इशू वाला, आज का चेक, हाँ लिखो पहला, लिखो चेक, चेक डिपॉजिटेड, मैं सेकंड वाला पहले लिखवा रहा हूँ, नहीं इश्यूड और डिपॉजिटेड का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। चेक डिपॉजिटेड या पेड, चेक डिपॉजिटेड पेड या सेंट इन बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा कराया बट नॉट क्रेडिटेड, या फिर इसको बोलते हैं क्लियर, बैंक ने क्लियर नहीं किया बट नॉट क्रेडिटेड क्लियर्ड बाय बैंक, मतलब हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया लेकिन बैंक ने अभी जमा नहीं किया। तो सोच के देखो पहली एंट्री किस में होती है, कैश बुक में या पासबुक में? तो कैश बुक में अगर मैंने पैसा जमा कराया, मेरे को कहीं से चेक मिला, तो मेरी कैश बुक क्या होगी, होगी प्लस होगी होगी, लेकिन पासबुक वही की वही है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको सिर्फ ना जो जो ये हेडिंग्स है ना, सिर्फ इनके मीनिंग लिखवा रहा हूँ, इनकी ट्रीटमेंट नहीं लिखवा रहा कि ट्रीटमेंट क्या होनी है। ट्रीटमेंट तो मेरे को क्वेश्चन देख के पता चलेगी ना
कि कैश बुक को पासबुक की तरह बनाने हैं या पासबुक को कैश बुक की तरह बनाने हैं। मैं आपको अभी वो नहीं समझा रहा, वो आपको बिना क्वेश्चन के समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को ऊपर पहले चॉइस चाहिए ना कि आपको किसको खींच के किसकी तरह बनाना है। यहाँ पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ मीनिंग। लिखो जी मीनिंग। इट मींस अमाउंट एडेड। मेरे को बताओ, अगर मेरे को कैश बुक में एड वाला लिखना है, पैसा मिल रहा है ना, देखो चेक डिपॉजिट का मतलब होता है आपको चेक मिला होगा, कैश बुक में डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट? डेबिट। इट मींस अमाउंट एडेड या फिर डेबिट इन कैश बुक। इट मींस अमाउंट एडेड या डेबिट इन कैश बुक। बट नोट डिपॉजिट या क्रेडिट इन बैंक अकाउंट या पासबुक। सो कैश बुक एंड पासबुक विल मैच और विल नॉट मैच? विल नॉट मैच। देखना कोई है जिसको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया हो? आ गया फर्स्ट पॉइंट? सिर्फ मैंने आपको हेडिंग लिखवाई। जो सर मैं एक बात बताऊं, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा या जिसके हमने क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चन क्या आएगा, जो पॉइंट नंबर वन की हेडिंग लिखी हुई है ना नीले पेन से, वो आपका क्वेश्चन में आएगा। मैं आपको सिर्फ एक बार के लिए ना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एक, ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो, ये है बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले आपको अब ये दिखाने का पर्पस ये है, ताकि जब आप इसके मीनिंग में जाने लग गए ना, मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज की क्लास डिसाइड करेगी किसको समझ आएगा किसको नहीं। क्या सर, जिसने आज की क्लास नहीं लगाई उसको समझ नहीं आएगा? उसको आएगा। तो उसके लिए जब वो क्वेश्चन करेगा ना, जैसे मैं क्वेश्चन वन करूंगा, एक एक दिन के छह छह सात सात क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर के। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो हमारा रिकॉर्ड जो है ना, इस चैप्टर का रिकॉर्ड है एक दिन का, एक घंटे का 14 क्वेश्चंस का रिकॉर्ड है। पिछले साल बच्चे पहुंचे थे लेकिन 9-10 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे, तो 14 क्वेश्चन का रिकॉर्ड है। मैंने आपको पहले बता दिया, देखेंगे हमसे टूटता है कि नहीं टूटता। 2 साल पता नहीं 3 साल पुराने बैच का रिकॉर्ड है वो। अब ये क्वेश्चन है सामने, दिखाने का पर्पस क्या है, पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। ये एग्जैक्ट आप समझ लो, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है ना, एग्जैक्ट आप ऐसा समझ लो ये पेपर का क्वेश्चन है। कितने पॉइंट्स हैं? 8। तो 8 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हो, ये 8 तरह के डिफरेंसेस हैं जो हमने शुरू किए हैं। हमने अभी एक डिफरेंस लिखा है, पेपर में ऐसे 8 डिफरेंस, 7, 10, 6 कुछ भी आ सकते हैं, जनरली आते हैं 7 या 8 एग्जाम में। 5 नंबर का आता है पेपर में ये क्वेश्चन, 6 का भी आ सकता है। लिखा गया हुआ देखो पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर वन की पहले हेडिंग पढ़ो, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन तभी बनाते हैं ना, दोनों में डिफरेंसेस होंगे। अब पहला पढ़ के देखो क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो आपको पता है किसकी तरह बनाना पड़ेगा, पासबुक की तरह। ये होता है क्वेश्चन, जो आप उससे पिछले 2-3 दिनों से जिसको कंफ्यूजन थी ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये लिखा हुआ है आपको दिख रहे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो पहली लाइन में गिवन होगा या सबसे आखिरी लाइन में, मिडल में नहीं कहीं गिवन होगा, या तो पहली लाइन में गिवन होगा या लास्ट लाइन में गिवन होगा कि कैश बुक का बैलेंस है। अब जो बाकी 7 डिफरेंसेस बच गए ना, तो 7 तरह की गलतियां हुई हैं। अब आपने अपने कैश बुक में चेंज करना है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक में चेंज करना है किसकी, रीड करके पासबुक की तरह। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, चेक इशू टू क्रेडिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करने का मतलब होता है पैसा दे देना, क्रेडिटर को पैसा देते हैं ना, क्योंकि उससे हमने सामान खरीदा होगा। ठीक बोला मैंने या उल्टा बोल रहे हो? क्रेडिटर से मैं सामान खरीदता हूँ और उसको पैसा देना है, तो मतलब मैंने कैश बुक में चेक इशूड कर दिया। देखना पॉइंट क्या है, चेक इशूड करने का मतलब है मैंने कैश बुक में से पेमेंट दे दी, तो मेरी कैश बुक डाउन होगी,
पैसा देने से मेरा मतलब बैलेंस कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? तो मेरा बैलेंस कम हो गया होगा कैश बुक में। अब बट के बाद पढ़ो, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, बैंक में से वो पैसा लेने नहीं आया, दोनों ऐसे थे, कैश बुक हो गया नीचे, क्योंकि मैंने कैश बुक में तो एंट्री कर दी। वो सामने वाला बंदा कहता 15 अगस्त आ गई, बैंक में पैसे ही निकले ही नहीं, तो बैंक वहीं का वहीं है। अब अगर मेरे को रीज करनी है पासबुक की, तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा। इस क्वेश्चन में देखो कैश बुक का बैलेंस गिवन है पहले पॉइंट में, तो मुझे रीज किसकी करनी पड़ेगी? पासबुक की। तो पासबुक अभी इस हमारी ट्रांजैक्शन में कैश बुक नीचे चल रहा है, पासबुक ऊपर चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को भी ऊपर कर दूंगा, यानी कि प्लस कर दूंगा। ऐसे ही सेकंड ट्रांजैक्शन है, थर्ड है, फोर्थ है, ये जितनी आपको अभी ट्रांजैक्शन दिख रही है ना 8, ये सारे के सारे मैं अपने अभी 15-16 पॉइंट में कवर अप कर लूंगा। एक बार रीड आउट करके देखो जल्दी से, ऊपर कोई भी 2-3 पॉइंट रीड आउट करके देखो। तीसरा, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, बैंक में मेरा प्रॉफिट आया तो मेरी बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखोगे ना, ये सारा क्वेश्चन, चाहे 50 क्वेश्चन है, चाहे 25 क्वेश्चन है, चाहे 10 है, ट्रांजेक्शन वही 15 से 20 ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे, वो सेंस जो है पूरे क्वेश्चन की वही सेम रहने वाली है। अब आपको एक क्वेश्चन का आइडिया हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितने पॉइंट्स है, एफ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने पॉइंट्स हैं, 6। तो मतलब पेपर में भी 6-7 पॉइंट्स ही आते हैं। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं जो हमने कल से स्टार्ट करनी है। अब बस टाइम लगाते हैं आगे अपने नोट्स पे। सेकंड वाले में सर 72,000 माइनस कर देंगे। कौन सा सेकंड वाले में, उधर वाले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में, हाँ माइ प्लस होने थे भाई, अभी तो समझाए हैं। नहीं, अगर पासबुक में मतलब की नहीं एंट्री तो कैश में माइनस की करेंगे। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन में ऊपर कैश बुक था तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कैश बुक में लिखी है कि नहीं। मेरे को क्वेश्चन में कैश बुक दिया हुआ है ना, तो मेरे को पासबुक की रीज करनी है। जैसे पासबुक ने किया होगा वैसा रट्टा मार लेना हमने, बस। जैसे आप लोग कहते नहीं हो मेरे दोस्त के पास तो आईफोन है, मेरे को आईफोन लेके दो, या आप कहते हो कि नहीं जी नहीं हमें घूमने जाना है, मेरे दोस्त ने मूवी देख ली मैंने घूमने जाना है, वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी, आपने रट्टा नहीं मार रहे होता, नहीं जी हमें तो वैसा ही करना और बनना है। ये सेम ऐसे ही है, बस कैश बुक हमें हमें पासबुक की तरह बनना है, जैसी पासबुक है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिख तो लिया फर्स्ट, अभी सेकंड शुरू कर रहा हूँ ना, अभी तो फर्स्ट हुआ है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के। लिखो जी चेक, चेक इशूड। इशूड का मीनिंग देखो मैं पहले ही लिखवा देता हूँ, इशूड का मतलब होता है पेड, पैसा दिया, चेक इशूड। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इन बैंक, ये वाले जो नोट्स है ना अच्छे अच्छे बनाना, यही वाले नोट्स मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपका चैप्टर डिसाइड करेंगे। आज वाली जो बच्चा क्लास लगा लेगा ढंग से ना, उसके लिए ये चैप्टर मजाक बन के रह जाएगा, आई जस्ट प्रोमिस। अगर आप ये आधा पौना घंटा थोड़ा ढंग से लगा लेते हो ना, ये चैप्टर आप लोगों के लिए मजाक बन जाएगा, आपको कि ये भी चैप्टर है कि हिसाब ही कर रहे हैं बस। चेकिंग शुड का मतलब है इट मींस मेरे को बताओ ये वाली अमाउंट जो है कैश बुक में क्या हो रही होगी, डेबिट या क्रेडिट? पेड है तो इट मींस अमाउंट क्रेडिट, या क्रेडिट को हम सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं डिडक्ट होना।
इट मीन्स अमाउंट क्रेडिट या डिडक्ट इन कैश बुक बट बट नॉट डिडक्टेड या डेबिट। सोच के देखो, अगर कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का डेबिट होगा। ये तो हम कल भी डिस्कस किया था, परसों भी, दोनों अपने आप का अपोजिट होते हैं। इट मीन्स अमाउंट क्रेडिट या डिडक्ट कैश बुक, कैश बुक में तो माइनस होगी है, बट नॉट डिडक्टेड या डेबिट इन पासबुक। लिखो यहाँ पे, जिसको ये समझ आ गया कि अगर हम यहाँ पे पासबुक लिख रहे हैं, मतलब वो कहानी में या अभी तक तो एक्टिव ही है कि आपको लिंक हो रहा है इन पासबुक। इसके बाद लिखो, हाँ लिखना है, लिख लो। सो सीबी एंड पीबी विल नॉट मैच, क्योंकि अगर एक जगह एंट्री कर दी दूसरी जगह नहीं करी तो मतलब मैच नहीं होगा। इश्यू मींस पैसा देना, इश्यू मींस पैसा देना या फिर पेमेंट करनी। यार इसमें ना देखो, एक पॉइंट है कि इसमें हमारा फायदा या नुकसान है। हमारे फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक ना पेमेंट डिले हो गई। मैंने किसी को चेक दिया, मैंने सामान खरीदा था, वो सिर्फ अभी तक, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको फाइनल डिस्कशन कर ली थी, बीआरएस से कितने बेसिस पे बनेगी, डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली। कल बता दिया था मंथली बेसिस पे बनेगी बीआरएस। तो बस इतनी सी बात है यहाँ पे कि जब मैं 30 तारीख को अपना बैलेंस मैच कर रहा हूँ कि मेरी कैश बुक का क्या स्टेटस है और पासबुक का, सिर्फ वो अभी 30 तारीख तक बैंक से पैसा नहीं निकलवाने आया। तो ये बस मिसमैच है, इसमें किसी का फायदा नुकसान नहीं है। अगर वो अभी बैंक में पैसा निकलवाने नहीं आया तो कल या परसों चला जाएगा, एक हफ्ते बाद चला जाएगा, इसमें फायदा नुकसान किसी का नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप बात करो कि सर अगर वो जिंदगी में पॉइंट नंबर टू अगर सच हो जाए हमेशा के लिए, चेक इशू कर दिया मैंने, बैंक से पैसा निकलवाने ही नहीं आया, पूरी जिंदगी नहीं आया, फिर तो हमारा फायदा ही है ना। खाली मैं फिर तो देखा जाए, मेरे बैंक में से वो पैसे निकलवा के ही नहीं गया, तीस दिन के बाद चेक खत्म हो जाएगा। फिर अगर लेकिन फिर आ गया। वो दोबारा आ जाएगा ना, कहेगा मैं भूल गया, फिर दुकानदार को देना पड़ेगा। मतलब दुकानदार ये नहीं कहता कहूँ मैं आता तो मुझे आपको देता देता, फिर तो वही नहीं कहता। नहीं जी, बिजनेस के कुछ असूल होते हैं, बिजनेस जो है ना वो ट्रस्ट और असूलों पे चलता है और थोड़ी सी दलेरी पे, ठीक है। तो अगर उसको किसी वजह से वो चेक नहीं इश्यू प्रेजेंट करा पाया तो कुछ दिन के बाद आ जाएगा, भैया नया चेक दे दो, मैंने आपको सामान बेचा हुआ है ना, पेमेंट तो हमने देनी है, मैं किसी वजह से नहीं कराया, ये लो पुराना चेक आप रख लो अपना ताकि इसका मिस यूज ना हो जाए, आप मेरे को नया चेक दे दो। बताऊंगा सारी चीजें, ऐसे थोड़ी बता दूंगा। पॉइंट नंबर थ्री लिखो जल्दी से, इंटरेस्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा या आप लोग मेरी स्पीड बढ़वा दोगे। कहाँ गया मेरा पेज? कहीं है? मैं आपको पेजेस दिखा लेता हूँ ताकि आप लोग मेरी, अच्छा 19 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं तो नहीं नहीं फोटो नहीं, जैसे 19 पॉइंट हो जाएंगे छुट्टी हो जाएगी, आपके ऊपर डिपेंड है कितनी जल्दी मेरे से करवाते हो। 19 के 19 पॉइंट यहीं पे होंगे, अब आपकी मर्जी है कितनी जल्दी मेरे से करवा सकते हो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, क्या लगता है इससे इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इट मीन्स बैंक हैज
एडिड बैंक में पैसा ऐड होना डेबिट बोलूं या क्रेडिट बोलूं, जल्दी बोलो। बैंक में पैसा ऐड होना क्रेडिट, बैंक में पैसा ऐड हो रहा है। जब भी मेरे अकाउंट में पैसा ऐड होएगा, गूगल पे का क्या मैसेज आता है, क्रेडिट। तो बैंक हैज एडिड या क्रेडिट द अमाउंट इन आर अकाउंट, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, पासबुक में अमाउंट बढ़ गई। यार पेन अभी किसी को दिया तो था मैंने, तेरे ही पेन खत्म होते हैं यार। ठीक है, बढ़िया भाई साहब, आज आराम से आ भाई, उन्नीस पॉइंट आराम से आ जाए, लेने 19 पॉइंट करने हैं। लिखो जी, लिखो जल्दी से। हमारा बैंक बैलेंस कहाँ नहीं आती। जा यार, पंजाबी में लिख रहा है क्या, हिंदी लिख रहा हूँ। हाँ लिख दो, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आपको जो लैंग्वेज लिखनी है आप लिख सकते हो। आपने व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख लो, हमारा HMARA, कोई आर को डबल ए कर दो, ये ठीक है बंदा। कहता आगे करो जी, पॉइंट नंबर चार। पॉइंट नंबर तीन हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ना, अब इसका अपोजिट इंटरेस्ट या कमीशन, कई तरह की कमीशन, थोड़ा जल्दी करेंगे। इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज बाय बैंक, आपको लगता है पॉइंट नंबर थ्री और फोर में मतलब डिफरेंस है या पॉइंट थ्री और फोर सेम है, देखना। जब भी बैंक चार्ज कर रहा है मतलब वो आपके अकाउंट में से पैसा काट रहा है, जब अलाउ कर रहा है आपके अकाउंट में पैसा ऐड कर रहा है। जल्दी से मीनिंग लिखो, सर काहे या बार बार पेन बदल रहे हो आज, हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। आपको समझे, हमें समझे। हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे नोट्स डालने के लिए बोले, इस वजह से इंटरेस्ट। हाँ मैं खिलाऊंगा पक्का, प्रॉमिस। बैंक ने पैसे, मेरे को बताओ बैंक ने पैसे डिडक्ट किए कि ऐड किए हैं। बैंक ने पैसे डिडक्ट, बैंक का डिडक्ट होना डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बोलो। बैंक ने पैसे डिडक्ट या डेबिट कर लिए नहीं, ये वो वाला लिखे है। अरे मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ 12वीं तक, मैं प्लस टू अकाउंट्स भी हिंदी में पेपर दिया था, थ्योरी हिंदी में लिख के आया था। बैलेंस शीट को बोलते थे लेखा चिट्ठा, ट्रायल बैलेंस को बोलते थे तलपट। ये बात सही है, आई लाइक इट। जल्दी जल्दी बैंक बैलेंस नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ जल्दी लिखूँ, बैंक का बैलेंस कम हो गया। चलो जी, बस बहुत है इतना मीनिंग। अब आगे के मीनिंग करा दो क्यों, आपको पता मैंने इंस्टा पे वाले नोट्स डालने हैं, तो मैं एक सेल्फिश किस्म का बंदा हूँ, इतने अच्छे नोट्स मैं सिर्फ आपके साथ ही कर सकता हूँ, इससे आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। पॉइंट नंबर पाँच डालने हैं, वही अभी बना रहा हूँ। क्या पॉइंट नंबर पाँच, नहीं अभी नहीं, अभी तो खिलाऊंगा।
फिर इनको ना 5-6 दिन हो जाते हैं ना बिठा लूं, फिर इनको किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते, सर ये वाला बता दो सर, सानू का समझ ही नहीं आया। जिस दिन बहुत समझाने की बारी होती है तब आप उतना सीरियस लेते नहीं। समोसे खिलाऊंगा आप टेंशन मत लो। मैं अभी आपकी नींद खोल देता हूँ। पूछो, फ्रीडम फाइटर्स के डंडे पड़े थे तब जाके आजादी मिली है। चलो जल्दी पेन चेंज हो जाए भाई, सिर्फ 5वें पॉइंट तक पेन चेंज करेंगे, इसके बाद नीला नीला ही चलने देंगे, ब्लू है पानी पानी। डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक बाय योर कस्टमर, बोलो बैंक में पैसा बढ़ गया है कम हो गया? बैलेंस इंक्रीज्ड स्लैश क्रेडिट। वाह कार्तिक तेरा दिमाग चल रहा है आज तो, क्योंकि छुट्टी का सवाल है। बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड या क्रेडिट इन आर इन आर बैंक अकाउंट, कॉपीज चेक होएंगी जाते जाते। बैंक इंक्रीज बट सीधे सीधे बताओ जी, इनके बाद ये यहाँ पे फिलिप्स में क्या भरना है मेरे को, जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक है, पांच पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर सिक्स, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक बताओ जी, बैंक में पैसे कम हुए होंगे या बढ़ गए होंगे? और ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, स्टैंडिंग एडवाइस का मतलब होता है हमने बैंक को बोला कि भाई साहब हमारे भी आप पे ना, जैसे ईएमआई, आपको पता है बैंक में से ना ईएमआई कटती है गाड़ी की या कुछ, तो हर महीने की समझ लो 5 तारीख है या 2 तारीख है, तो अपने अभी पैसे कटते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग एडवाइस। अच्छा बताओ, पासबुक का बैलेंस रिड्यूस, पासबुक बैलेंस रिड्यूस, रिड्यूस के ब्रैकेट में बताऊं डेबिट या क्रेडिट? ये लो जी शॉर्ट फॉर्म आ गया, ठीक है कार्तिक, पासबुक बैलेंस रिड्यूस बट कैशबुक बैलेंस नॉट रिड्यूस्ड, सो सीबी एंड पीबी विल नोट मैच। अगर कैश बुक पासबुक मैच नहीं होगी, मतलब डिफरेंस है तो डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 6 हो गए, पेपर का हो गया वो भाई, मैं भी तो भारत का वासी हूँ, मुझे भी तो आजादी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 7, चेक डिसओनर बट नो, हाँ मनकीरत इसका मीनिंग तूने बताना है, चेक डिसओनर बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम
हाँ जी बोलो, चेक डिस ओनर का मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया या कम हो गया? डिस ओनर का मतलब चेक बाउंस हो जाना, यानी कि बैंक में पैसा। लिखो जी, डिस ओनर मीन्स बैंक में पैसा कट गया, बैंक से पैसा कट गया, दैट इज डेबिट इन पासबुक। देखना पॉइंट नंबर 7 समझ आ गया। चेक डिस ओनर, बैंक में पैसा कट गया लेकिन नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, तो बैंक में से पैसा कम हो गया, कैशबुक में नहीं कम हुआ। देखो हुआ क्या, पोजीशन ऐसे थी, देखना एक बार सामने इधर मेरे हाथों की तरफ, बैंक में पैसा कम हो गया तो मैं इस वाले को पासबुक बोल के चलता हूँ, तो पासबुक नीचे हो गई ना, कम होना नीचे हो जाना, कैशबुक को पता ही नहीं अभी कैशबुक वहां पे है, तो जैसे दोनों चीजें डिफरेंस है मतलब वो एरर है। बाकी देखना पड़ेगा, अगर ऊपर कैशबुक का बैलेंस है तो इसको नीचे कर देंगे, अगर पासबुक का बैलेंस होगा तो इसको ऊपर कर देंगे, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। पॉइंट नंबर 8, बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस बोलो, पासबुक डेबिट हो गया या क्रेडिट? डेबिट यानी कि रिड्यूस, बस वो देखना। नाइन्थ है, चेक बुक नाइन्थ वाले से ना अभी समझ आ जाएगा किसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाइन्थ वाला पॉइंट आपके कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग करेगा। अभी चेक डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक बट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड का एक और मतलब देखना, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखवाया था, क्लियर्ड बट नॉट क्लियर्ड इन सेम मंथ, ये अभी पता चल जाएगा किसको समझ में आया। मैंने आपको बोला बीआरएस बनती है मंथली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल 30 जून की बीआरएस बन रही है, इसका मतलब क्या निकला? देखा जाए तो मैंने कैशबुक में तो मैंने लिख दी है बैंक में जमा हुए अगले महीने, यार अगले महीने हुए हैं, मेरे को तो बीआरएस जो बनानी है मंथ के एंड में बनाती है 30 जून को। ध्रुव इधर समझ ले, अगर मेरे को बैंक बीआरएस बनानी है, बीआरएस तो मेरे को बनानी है 30 जून को, कैश बुक में पैसे जमा हो गए जून में, लेकिन बैंक में जमा कब हुए हैं? जुलाई में। इस क्वेश्चन के हिसाब से, पॉइंट नंबर 9 के हिसाब से जुलाई में जमा हुए होंगे या अगस्त में, कुछ भी लगा लो, तो देखा जाए कैश बुक तो बढ़ गई होगी, कैश बुक प्लस हो गई होगी, पैसा मिला है ना, चेक डिपॉजिट मतलब पैसा मिलना, कैश बुक प्लस हो गई होगी, लेकिन 30 जून तक तो पासबुक क्या है, नीचे है। अभी सारे देख नहीं रहे, मेरे को दोबारा कराना पड़ेगा पॉइंट, अब आपकी मर्जी है। वो देखो दोनों अपने लगे हुए हैं, दोनों नहीं, वो क्रिश इधर देख मेरे भाई, इस पॉइंट का मीनिंग बता जल्दी से, नाइन्थ पॉइंट का मीनिंग बता जल्दी से। कैशबुक में एंट्री कब हुई है 9 पॉइंट के हिसाब से? जून में, मतलब कैशबुक मेरी प्लस होगी होगी। पासबुक में पैसा कब ऐड हुआ है? जुलाई में, तो मेरे को तो बीआरएस बनानी है 30 जून को, तो क्या 30 जून तक पासबुक में पैसा आया है या नहीं? तो इसका मतलब डिफरेंस है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते सर 1 जुलाई को तो आ गया ना, भाई साहब मैं बीआरएस मतलब जो मैं हिसाब मिला रहा हूँ, हिसाब तो मैं 30 जून को मिला रहा हूँ ना, आज जिस दिन 30 जून होगा उस दिन, ये तो आपको पता है ना जुलाई में जमा हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस में थोड़ी बंदा फ्यूचर देख सकता है कि जुलाई में ऐड होगा या अगस्त में, मैं तो 30 जून को हिसाब मिला रहा हूँ, भाई 30 जून को तो पैसे जमा नहीं हुए ना, दैट्स इट, मतलब डिफरेंस है। इसमें एंट्री मैंने पहले पता है कहाँ की, लिखना मत,
इसमें पहले एंट्री मैंने कैश बुक में कर दी होगी, कैश बुक इज इक्वल टू एडिड, बोलो जी। फिर जुलाई नहीं कर दी। ओ जुलाई तक तो बेटा मैं पहुंचा ही नहीं, मैं हिसाब ही नहीं डिपॉजिट भाई, मैं हिसाब ही 23 जून को मिला रहा हूँ, मेरे को हिसाब आज मिला रहा हूँ, आज 23 जून है, मेरे को कल का थोड़ी ना कुछ भरोसा है, कल का पता थोड़ी है मुझे, मेरे को तो आज की सिचुएशन देखनी है। आज की सिचुएशन है कैश बुक में पैसा डेबिट हो चुका है, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, बस मेरे को सिर्फ इतना तक ही देखना है। मेरा BRS का चैप्टर इतनी बात करता है, कहाँ पे पैसा जमा हुआ है कहाँ पे नहीं, क्या ये एरर है, जी हाँ ये एरर है। 10th लिखो, ऐसे ही चेक इश्यूड के ऊपर बनेगा। चेक इश्यू करना पैसा मिलना के पैसा पे करना, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन पासबुक इन सेम मंथ, या फिर कई बार लिखा होगा बट प्रेजेंटेड इन पासबुक इन नेक्स्ट मंथ, बात तो सेम ही हुई ना, समझ गए, इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने लिखा होगा, तो पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। ये उसका उल्टा है, बिल्कुल ठीक है जी। कैश बुक में क्रेडिट, किसने बोला क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट, ठीक है, कैश बुक में क्रेडिट इश्यू करने का मतलब क्या होता है, क्या बताया था आप लोगों ने, पे करना, तो जब कैश बुक में पे कर रहे हैं तो क्रेडिट नहीं होता, तो ठीक नहीं लिखी लाइन, कैश बुक में क्रेडिट हो गया बट पासबुक में डेबिट या रिड्यूस नहीं हुआ। आपके दोस्त और टीचर हंस सकते हैं हमारे इन नोट्स पे, पता है आपको, हंसने देना क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं ना, इंसल्ट मानी जाती है हिंदी लिखना, मानो चाहे ना मानो, देखिए नोट्स देखो कैसे लिख रहे हैं, यही नोट्स हैं जो आपको ऊपर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि जिस लैंग्वेज में कोई टीचर सिखा रहा है उसी लैंग्वेज में ही आप उसको राइट डाउन कर रहे हो ना, तो मतलब आपके डबल डबल टाइम पे रिवीजन हो रही है, तो हमेशा अपने नोट्स ना अपने इजी लैंग्वेज में लिखा करो, चाहे घर पे भी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखने, जैसे मर्जी लिखो। पॉइंट नंबर 11 लिखो जी, मैनी चेक्स मैनी चेक्स डिपोस्टेड इन बैंक बट है कोई दलेर बच्चा जो इसका मीनिंग बता पाए, हमने चेक कितने के बैंक में जमा कराए, बैंक में अगले महीने कितने जमा हुए, 250। मेरे को अगले महीने का थोड़ी देखना है, मेरे को तो इस महीने का देखना है, मतलब इस महीने बैंक में कितने जमा हुए होंगे, बैंक में माधव का आंसर ठीक है, क्रिश का ठीक है, तू ना जवाब जल्दी दे रहा है, 2-3 सेकंड लेट दे दे सही दे देगा, पढ़ एक बार क्या लिखा हुआ है, मैंने कैश बुक में कितने जमा कर देंगे, इट मींस कैश बुक में तो मेरे को 4,000 का चेक मिला था, इधर देख तो सी, तू आपके पढ़ तो सी, तू समझ ही नहीं रहा, तू जल्दी जवाब दे रहा, मैंने तेरे को जो बोला है वो एडवाइस एक बार के लिए रख ले, तीन चार, हाँ तो दो चीजों को मिक्स कर रहा है, कैशबुक और पासबुक को, तो मीनिंग देखना मेरे, ठीक है एडवाइस दे रहा हूँ, 3-4 सेकंड लेट जवाब दे सही देगा, पहले एक बार पढ़ क्या लिखवाना चाह रहा हूँ मैं, बैंक में मेरे को कस्टमर से कितने का चेक मिला, 4,000 का,
मैंने बैंक में जमा करा दिया, मतलब मैंने तो अपनी कैश बुक में 4,000 रुपया प्लस कर दिया ना, क्योंकि मेरे को मिल गया, मैंने बैंक में जमा कराने के लिए दे दिए, लेकिन बैंक में लिखा हुआ है 2,500 रुपया अगले महीने जमा हुआ है, तो इस महीने मेरे बैंक अकाउंट में कितना जुड़ा होगा? 1,500। तो देखा जाए 2,500 का डिफरेंस है, आपको समझ में आया? डिफरेंस 2,500 का है। इट मीन्स एडिड या डेबिट इन कैश बुक 4,000, बट डिपॉजिट या क्रेडिट only मैं डेली ना कुछ प्रिडिक्शन करता हूं ना, पंडित बनता हूं इस पॉइंट के ऊपर, आज पंडित बन रहा हूं। 10 दिन आप लोगों ने मेरा दिमाग खा जाना इस पॉइंट को लेके। सर 1,500 की गलती है या 2,500 की गलती है? बेटा 1,500 की तो गलती नहीं है ना, 1,500 मैच हो गया, गलती कितने की है? 1,500 की गलती नहीं है, बस वो लिख रही है ऊपर एरर या डिफरेंस, 2,500 का राइज हुआ है, 1,500 की गलती नहीं है, गलती अब देखो जी ये वाला पॉइंट किसको नहीं समझ आया? हाँ हर्षब देख, मेरे को गलतियां देखनी है सर। 1,500 इस क्वेश्चन में 1,500 को इग्नोर करना पड़ेगा, पेपर में ये वाली जो एंट्री है ना, पहले तो लिखो 11th इन एग्जाम 100%, एग्जाम में 100% है, और हर स्कूल वालों को 11th एंट्री तो आएगी आएगी, लिख दो इन एग्जाम। क्या स्कूल कितने बनाए? बात तो लॉजिकल है। नहीं 19 पॉइंट है, कहाँ तक हुआ है? इंडिपेंडेंस डे चंगा मनाया हमारा। समोसे खिलाऊंगा। अभी चल के आ रहे हैं भाई के पास। हाँ जी, कैश बुक में से कितना पैसा कम हुआ है इस एंट्री के हिसाब से देखना। कैश बुक में से पहले एंट्री मैंने चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, मिलना के पे करना, तो मैंने कितना पैसा पे किया है? 10,000। तो मैंने कैश बुक में, तो कैश बुक में एंट्री कौन करता है? बिजनेस ना, तो कैश बुक में तो मैंने 10,000 की एंट्री कर दी होगी। बिल्कुल ठीक है कार्तिक, इन कैश बुक 10,000 हैज बीन रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब क्या लिखेंगे? क्रेडिट। बस उल्टी सीधी करता है। बात तो सही है वैसे, ठीक है। इन कैश 10,000। ना ना ना, क्या रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही है? कुछ सोच समझ के बोलना, कुटपड़ी खाओगे। मेरा भी हाथ दर्द हो रहा है। मेरा हाथ दर्द हो रहा है। आपकी तो नियत दर्द हो रही है। नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। दिल में की दर्द होएगा।
गलती बताओ जी, इस वाले क्वेश्चन में गलती कितने की है कोई बता सकता है? हाँ माधव, 7,000 की, 7,000 प्रेजेंट हुए अगले महीने। क्या कोज? हाँ मतलब मैंने किसी को चेक दिए 10,000 के, तो 10,000 मैंने टोटल लिख दिया, एक को दिया 1500 का, एक का दो, एक को 2,000 का, जिस बंदे को मैंने 7,000 का चेक दिया वो छुट्टियां मनाने गया हुआ था, गदर 2 मूवी देखने गया हुआ था, तो वो 30 तारीख को बैंक में ना नहीं चेक लगा पाया, वो अगले दिन जमा कराने गया। मतलब ये होता है कोज कि क्या रीजन हो सकता है, रीजन कुछ भी हो, जो वैसे भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये BRS मैच ना होने, CBPB मैच ना होने के कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसके अंदर का कोर्स पूछ रहा है ना, तो मैंने रीजन बता दिया। अगला पॉइंट नंबर बोलो जल्दी, पॉइंट नंबर 13 नंबर लिखो जी। ये मैंने कभी नहीं बोला, मैं रिकॉर्डिंग ऐसे तो मैंने 19 भी बोले थे, वो वाली लाइन भी तो बोलो ना, नहीं आपने बोला आज जितने हो जाएंगे हो जाएंगे, बस तुम्हारी सुनता रह गया तो करा दिया मैंने सिलेबस, बैठ रहा हूँ चेक पेड, चेक पेड बट डिसओनर इन द बैंक, मतलब कि मैंने कैश बुक में क्या कर दिया, ये कैश बुक में क्रेडिट भाई पेड है, पेड मतलब बैंक में पैसा जमा होना, कैश बुक में डेबिट या एड हो चुका है जी बैलेंस ये वाला, लेकिन अगर पासबुक में डिसओनर हो गया तो पासबुक माइनस होगी होगी, तो पासबुक में नोट एडिड या क्रेडिटेड, क्या फिर ये गलती है? कैश बुक में तो प्लस हो गया, पासबुक में प्लस हुआ नहीं, क्या ये गलती है? बिल्कुल गलती है, इंटरेस्ट या डिविडेंड, डिविडेंड का मीनिंग लिखो पहले तो, पहले लिखो डिविडेंड मीन्स, मेरा गुस्सा बड़ा पैड़ा है एक बार कोई बात इग्नोर कर दिया करो कोई जिंदगी की एक बात बस, मैं पढ़ाई का नहीं कह रहा, पढ़ाई को इग्नोर कर दो, मैंने कोई बात बोली थी यार, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाना, देखना क्रेडिट ठीक लिखा है कि गलत लिख बैठा हूँ, पासबुक में बैलेंस क्रेडिट हो गया बट नोट इन जो वो मर्जी कर लो, हमको ना तरस आता है, मैं तो कहता हूँ ना लगे, मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना लगे, अरे उसके पास भी तो यार एक वो होनी चाहिए ना किसी के कंधे पे रख के, मतलब उसको अपनी भड़ास निकालनी है, तो पहले इसका नाम बोल देगा फिर इसका बोल देगा फिर पीछे, पहले भी तूने यही कहा था, कुछ
ये आपको ये आपको गुलशन में भी दिलचस्पी है, मतलब हद है यार, छोड़ो गुलशन वो छोड़ दिया करो आप, वो गुलशन की बातें करिए आप, गुलशन में क्यों? मुस्कान ने पूछा, उसने पूछा छोड़ो ना, ये गुलशन कौन है? अरे बस बस कुछ नहीं होता, बस खत्म होने वाला है, 2-2.5 मिनट रह गए। चेक इश्यूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इस लाइन का कोई मीनिंग? हाँ माधव जल्दी से, इस लाइन का मीनिंग, ये वाली ट्रांजैक्शन, इश्यू करना पैसा, देना कि पैसा मिलना, पैसा पे करना, बट ओमिटेड का मतलब ओमिटेड मतलब भूल गए, कैश बुक में लिखना भूल गए। ये देखा जाए जितने हमने इश्यू वाली एंट्री करी है ना, ये उसका अपोजिट हो गई। कैसे पासबुक का कैसे बढ़ जाएगा? आनिक आपका ठीक है, मुस्कान आपका ठीक है, तुम क्या बोल? हाँ यार, चेक इश्यू करने का मतलब है बट कैश बुक में नहीं लिखा। पलक इधर समझो, इधर सुनो तो सही, मैं सिखा रहा हूँ मेरे भाई, मैं पैसे ले रखता हूँ ना तुमसे, तो मेरे से समझो एक मिनट, फिर ये तेरे से भी लड़ेंगे मेरे से भी। चेक इश्यूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, इश्यू करने का मतलब है पैसे दे देना लेकिन मैंने कैश बुक में नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखो मेरे हाथ दोनों बराबर है, अभी BRS बराबर है, मैंने कैश बुक में नहीं लिखा तो कैश बुक अभी भी वही की वही है। लेकिन यहाँ से आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ कैश बुक में नहीं लिखा, पासबुक वाला बंदा आपके अकाउंट में से पैसे कम करवा गया है। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि लिखा क्या हुआ है स्पेसिफिकली, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो मतलब पासबुक नीचे हो गई होगी, तभी तो ये एरर है। क्योंकि जब तक ये दोनों बैलेंस अलग अलग खड़े होंगे तभी तो ये एरर है। लिखो जी, इट मीन्स कैश बुक में एंट्री, तभी मैंने देखो साथ में क्या वर्ड लिखवाया है, assumption, it means पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, पासबुक का बैलेंस डेबिट या रिड्यूस हो गया होगा बिल्कुल, और कैश बुक का नो चेंज या नो रिड्यूस, बस 16वीं आखिरी लिखवा रहा हूँ, बाकी कल लिखवा दूंगा। 17 लिखेंगे, ना ना अब 17 है ना, फिर मैं एहसान लूटूंगा आपका। भाई के समोसे भूखे हुए, एक होता है ना कि मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है, जैसे कई बार वो कहते हैं ना दिमाग में बुखार घुस गया, तो दिमाग समोसे, तेरे को मैं समोसे खिला के भेजूंगा और कम से कम 3 खिलाऊंगा तेरे को, तो टेंशन ना ले। 5 और 3 हो ना, 3 से भी 4 की नहीं मिलेगी। ओए वो ये भी बोल दे कहां के खाए, सर क्या बोल रहे, क्या देख ले बेटा, बैठ ना जियो, सीढ़ी ओडो नहीं लगा हुआ है, मैगी लग गई, मैगी वालों ने समोसे शुरू कर दिए, आज ही किए हैं क्या, तेरे लिए किए हैं सिर्फ, चल भाई चल हर्ष, हाँ जी
स्नेहा ठीक बोला था बिल्कुल। हाँ फिर उल्टे सीधे पे आ गया बात को सही। चलो बाकी कल लिखवाऊंगा। अब जो रह गए हैं ना 3 या 4 पॉइंट वो सबसे खतरनाक वाले रह गए हैं इसलिए नहीं लिखवा रहा।